भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। भारत में हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से मारे जा रहे हैं, यानी 5 से 13 मिनट में एक आदमी की भूख से मृत्यु हो जा रही है। और फिर यही आंकड़ा को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये हमसे हो नहीं सकता है, लेकिन हमसे जितना हो सके हम उतना करने का कोशिश करेंगे आज। Hey lovely fam members, I heart welcome you to my lifestyle and I hope you are fine this time also as always. तो गाइज आज हम लोग ना कुछ करने जा रहे हैं, वो भी 1 जनवरी को। 1 जनवरी को सब भाई पार्टी करते हैं, कोई ये कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं मतलब। लेकिन आज हम लोग ना सबसे हटके करने वाले हैं, जो आप लोग ब्लॉग में देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आएगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं क्या करने वाले हैं क्या नहीं। तो गाइज अभी रुके हम लोग NH पे और मिल गया अपना भाई। क्या भाई, तो कैसे हो? बढ़िया। तो 1 जनवरी का क्या प्लान है आपका? मिथिला हाट। तो अभी ये लोग ना मिथिला हाट जा रहा है भाई। चलो एक एंजॉय करो भाई। क्या ब्लॉग देखते हो ना? देखते। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग वहाँ पे रुके थे NH के पास फुल सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि ठंड का मौसम है और कुछ सही से काम नहीं कर रहा है। गर्माहट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर हम लोग गर्म नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग को ठंड भी लग सकती है और ये ठंड से जान भी जा सकती है। तो अभी हम लोग हैं रोड पे और जा रहे हैं सिमराई मार्केट के लिए। तो अभी हम लोग हैं सिमराई सिटी में और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम है, और यहाँ पे मुझे पानी का बोतल लेना पड़ेगा क्योंकि मैं घर से भूल गया था पानी का बोतल लेना। तो यहीं पे हम लोग को ना बोतल लेना पड़ेगा स्टॉप लेकर के। अभी हम लोग रुके थे ये दुकान के पास और यहाँ पे अपना भाई एक ही बोतल लिया, 10 का ज़रूरत है, 10 पीस बोतल का ज़रूरत है। और फिर ये बोतल दे रहे हैं गिनती करके एक एक करके भाई। मैं इस सारा बोतल को इस बैग में डालूंगा क्योंकि बैग में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, और मैं इस बैग में सारा बोतल डाल के यहाँ से निकलूँगा। दो पीस ब्लड साइड में डालना है ना। हाथ पूरा रेड हो चुका है क्योंकि अभी ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कितना डिग्री सेल्सियस है थोड़ा फ़ोन में चेक करना। तो अभी हम लोग हैं सिमराई सिटी में और यहाँ का जो अभी वेदर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बहुत ही दुख की बात होती है भाई की 2 साल और 2 मंथ हो गया मेरे चैनल को अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, तो आप लोग जाके सपोर्ट करो जितना ज़्यादा हो सके। फिलहाल मेरा हाथ जो कैसे लाल हो गया है। तो बाइक चलाने के कारण मेरा हाथ ना पूरा लाल हो गया है जो सही से काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं सिमराई के लिए निकला तो यहाँ पे कुछ लोहार लोग मिल गए जो लोहे को आकार को चेंज करके खंजर में बदल देते हैं और कई प्रकार के सामान बनाते हैं। हम लोग गरीब लोगों की तलाश में स्टेशन पे आए जो राघोपुर स्टेशन है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, सिमराई सिटी से 2 या 3 किलोमीटर होगा। मैं अंदाजी बता रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मैंने स्टेशन पे तलाश करने की कोशिश की लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। तो हम लोगों को यहाँ से निकल के दूसरे जगह जैसे ही जा रहे थे फिर मुझे रास्ते में कुछ घर मिले और वहाँ जा करके हम लोगों ने उनकी मदद की। सो भाई गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कौन है भाई? और इसको हम थोड़ा इधर करके फेंक देते हैं भाई, वो सेफ्टी रहेगा इसे खोलने में इसको, तो हम लोग इसके ना आसानी से खोल सकते हैं। और अभी हम लोग जाने वाले हैं इधर उस साइड, तो उधर जाके दिखाते हैं क्या होने वाला है। क्या आया जैसे ही मैं वहाँ मदद के लिए पहुँचा तभी मैं दिखा कि इनकी तो एक भी उंगलियाँ नहीं है, फिर भी ये नाश्ते में रोटी बना रहे थे और कुछ बना रहे थे। मेरे लिए दुआ करते हुए इन महिलाओं की आवाज को सुने।
ये अपने झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये नहीं देख सकते और नहीं सुन सकते। मुझे बहुत अफसोस हुआ इनकी मदद करते हुए। मैं जितना कुछ इन लोगों को देने के लिए लाया था वो मैं सब इन लोगों को दे दिया हूँ और यहाँ से अब मुझे निकलना पड़ेगा। ये लास्ट जगह है और यहाँ से देखे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी ना मतलब ख़त्म हो चुका पूरा जितना पैकेज था वो ख़त्म हो चुका और ये बैग में भी भरा हुआ था भाई, इसका भी बैग मतलब पूरा ना ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और फिर यहाँ पे आएंगे किसी और। मुझे इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन मुझे अब पता चला। जब मैं यहाँ आऊँगा अगले बार से मैं कुछ ज़्यादा ही सामान लेकर के यहाँ पे आऊँगा। तो गाइस अभी हम लोग ना रुके हुए हैं KN इंटर महाविद्यालय राघोपुर के पास और मैं बता रहा हूँ कि अभी ना जितने लोगों को हेल्प किया वो तो बहुत कम था और अगर आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करें यूट्यूब पे, उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ। और अभी मेरे YouTube चैनल को 2 साल 2 मंथ हो चुके तो आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते। मैं मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, 70+ वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये वीडियो को वायरल कर दो और भाई बहुत ही मेहनत की अभी ठंड के मौसम में 1 जनवरी है। हम लोग चाहते तो पार्टी भी कर सकते थे वो पैसों से लेकिन हम लोग ने पार्टी नहीं किया भाई। तो ऐसे आप लोग ने सपोर्ट दिखाओ भाई, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को ना शेयर करना, व्हाट्सअप पे हो सके जहाँ तक हो सके शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना। और आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, भाई देख रहे होंगे वो लोग बताना कि इस कॉलेज में किसका किसका एडमिशन है और किसका नहीं। कल ये ब्लॉग को सपोर्ट दिखाना, आप लोग प्यार दिखाना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हम लोग ना जर्नी को दिखाते हैं गणपतगंज में क्या होता है क्या नहीं। जैसे ही मैं घर के लिए जा रहा था मुझे रास्ते में ये मंदिर दिखा, जो ये मंदिर राघोपुर में और बहुत ही बड़ा मंदिर है। हमने इसके अंदर जाने का कोशिश किया लेकिन मेरा फ्रेंड बहुत जल्द में था इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। अगर ये जगह का ब्लॉग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें और फिर मैं यहाँ का ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए स्पेशल।